कि 17,900 का सीई दे दो, वो भी उस दिन पे जिस दिन पे इंडिया विक्स। हाय गाइस, ट्रेड विद संचित के एक और नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैंने आपको, इन केस आपने कल की मेरी स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी तो भाई आपने आज का ये सारा मोमेंटम मिस कर दिया, सारा मोमेंटम मिस कर दिया। और ये मोमेंटम ऐसा नहीं है कि मैं होने के बाद बता रहा हूँ, मेरा जाके लाइव स्ट्रीम देखो, इसी पॉइंट पे बता दिया था कि कल वाली स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हो गई है। एग्जैक्ट 17,900 की सीई इसी पॉइंट पे दे दी थी। अब यहाँ से जब आपको मैंने इतना मोमेंटम दिखा दिया, तब आप सोच रहे होगे वो कल वाली वीडियो क्या थी। भाई भाई वो वीडियो के लिए मैं इतने दिनों से कह रहा था कि एक स्पेशल स्ट्रेटजी वीडियो आने वाली है जिस स्ट्रेटजी को मैं खुद ट्रेड करता हूँ, तो वो वीडियो हमारी उसी स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड थी। और जैसे आप मार्केट को वॉच कर रहे हो, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आप इसमें साथ साथ लाइव कर रहे हो, तो अभी भी मार्केट ऊपर ही भाग गई है। अब ये ऐसी स्ट्रेटजी क्या थी जिसने इस पॉइंट पे एंट्री दी? अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग तो कहेंगे भाई मैं इसी पॉइंट पे एंट्री करूँगा, बट नहीं, मुझे मार्केट के हाईज और लोज नहीं कैच करने, मुझे अच्छी ट्रेड लेनी है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बढ़िया ट्रेड, वही ट्रेड ये स्ट्रेटजी में बनी थी। हमने यहाँ पे एंटर होने को कहा था अपने लाइव स्ट्रीम में, हमने यहाँ पे तो एंटर होने को कहा ही नहीं था। यहाँ पे हमने एंटर, हम सोचे थे यहाँ पे इनकेस एक डब्ल्यू बनेगा तो हम एंटर होंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्वीजर बॉटम था यहाँ पे एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्वीजर बॉटम था। ये देखो मार्क भी है हमारे पास, यहाँ पे एक ट्वीजर बॉटम था। ये दो कैंडल्स जो थी ये हमारे ट्रैफिक लाइट सेटअप विद ट्वीजर बॉटम के ऊपर बेस्ड है। ये सेटअप पे भी वीडियो डाली हुई है, बट नहीं, हम अपने लाइव स्ट्रीम में 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं। तो मैंने आपको कहा ही नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमने यहाँ पे ट्रेड दी, नहीं दी भाई हमने यहाँ पे ट्रेड, हमने ट्रेड दी इस पॉइंट पे, हमने ट्रेड आई दी इस पॉइंट पे। और यहाँ से आप देखोगे ना निफ्टी कितने पॉइंट्स भाग गया, 75 पॉइंट्स। भाई 75 पॉइंट्स का मोमेंटम निफ्टी में कैच करना बहुत बड़ी बात है। और अभी भी 2:44 PM है, मार्केट क्लोज नहीं हुई और ऊपर ही भाग गया, ऊपर ही भाग गया। यहाँ तक का मोमेंटम देखो, यहाँ मैंने मेरी स्ट्रेटजी वीडियो क्या थी, मेरी स्ट्रेटजी वीडियो यही थी कि ये जो रेड लाइन है, ये जो हमने मार्केट के लेवल्स के साथ ये रेड लाइन हमने मार्क की हुई है, तो ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो मुश्किल नहीं थी। हमने क्या कहा था, ये जो हमने रेड लाइन मार्क की हुई है, ये वाली जो रेड लाइन आपको ये दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल, ये हमने ये जो लाइन बनाई हुई है, ये लाइन हमारी उस स्ट्रेटजी वीडियो के बेस पे है। ये लाइन क्या है, जो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बनती है ना, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल जो बनती है, इसका 50% है ये लाइन। तो हमारी स्ट्रेटजी वीडियो बहुत सिंपल थी, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का 50% निकालो और उसे एक इम्पॉर्टेंट जोन मान लो, और उस जोन से ऊपर आप सी बाय करोगे, उस जोन से नीचे आप पी बाय करोगे। इतनी आसान स्ट्रेटजी, लॉजिक उस वीडियो में समझाया कि क्या लॉजिक है इसके पीछे का, बट इससे आसान वे में मुझे नहीं लगता किसी ने आपको आज तक कोई स्ट्रेटजी बताई होगी, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको कहा था जाके बैक टेस्ट करो, हो सकता है आपको 95% 98% की एक्यूरेसी लगे इस स्ट्रेटजी की, बट फिर भी सीधा ना उतर जाना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही स्ट्रेटजी को ट्रेड देना। अभी भी अगर वो वीडियो नहीं देखी जाके पूरी देखो, 20 मिनट की वीडियो है, थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि उसमें मैंने लॉजिक भी दिया है, ट्रेड्स भी दिखाई है कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, सब कुछ बताया उस वीडियो में कंप्लीट, उसी बेसिस पे हम ट्रेड देते हैं। हमारा यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में आज प्लान भी था कि यहाँ पे एक डब्ल्यू बन जाए तो हम इस पॉइंट के ब्रेकआउट लिए एक अर्ली ट्रेड प्लान करेंगे, बट नहीं बना डब्ल्यू, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे भी हम सोच रहे थे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ये डब्ल्यू बने तो एक ये जितने लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस था, फिर ये भागेगा, वो वहाँ पे भी नहीं बना, हमारा प्लान फेल हो गया। बट जो हमारा मेन प्लान का स्ट्रेटजी वाला था, जिस टाइम वो एग्जीक्यूट हुआ उसी टाइम हमने कहा कि 17,900 का सीई दे दो, वो भी उस दिन पे जिस दिन पे इंडिया विक्स 12 से नीचे है। जिन लोगों को इंडिया विक्स नहीं पता, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है और बहुत ज़्यादा डाउन है, और जिस दिन वो डाउन होता है तो ऑप्शन बाइंग में आपको इतना मोमेंटम नहीं मिलता। फिर भी आप देखोगे ना तो ये यहाँ पे अराउंड 114-115 का प्राइस था, जिस प्राइस पे हमने कहा था, लाइव स्ट्रीम देख लो 10:30 बजे के अराउंड हमने 115 का, और सॉरी 10:50 के अराउंड हमने 115 का प्राइस यहाँ पे कोट किया था, और ये 115 से 141 चला गया। ये निफ्टी में हुआ है भाई, निफ्टी में इतना बड़ा मोमेंटम कैच करना बहुत डिफिकल्ट है। और यही ट्रेड बैंक निफ्टी पे हमने क्यों एग्जीक्यूट नहीं की थी, क्योंकि यही तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती है। आज अपने लाइव स्ट्रीम में मैंने कह दिया था क्लियर कट, चाहे बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से मूव दे दिया, बट अपने लाइव स्ट्रीम में मैंने क्लियर कट कह दिया था कि नहीं भाई, जब तक बैंक निफ्टी इस जोन में है मुझे बैंक निफ्टी से डर लग गया, मैं बैंक निफ्टी नहीं इस जोन में ट्रेड करूँगा, तो मैंने छोड़ दिया बैंक निफ्टी। और यहाँ पे आप देखोगे भी बैंक निफ्टी में बहुत स्लो एंड स्टडी मूव आया, ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख तो रहा होगा इतना बड़ा मूव है, बट यहाँ पे आप
ये जैसे मैं ये जैसे सब ऑप्शन बायर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट करके ही भाग जाना था, थीटा डीके मिल जाना था, बट निफ्टी में मूव बहुत अच्छा था, फटाफट गेन कैंडल्स। और यहाँ तक तो हम लाइव में बैठे ही हुए थे, उसके बाद हमने अपना लाइव क्लोज किया, यहाँ तक तो हम लाइव में बैठे हुए थे उसके बाद। और ये भी हमारी स्ट्रेटजी में है ही है कि इन केस उसके बाद ये डे का हाई तोड़ता है तो हम अपनी पोजीशन और बड़े टारगेट के लिए होल्ड करेंगे, वही डे का हाई तोड़ा उसने, देखो कितना बड़ा टारगेट बनाया। यही स्ट्रेटजीज है, मैं जो स्ट्रेटजी वीडियोज़ डाल रहा हूँ ना जो प्राइस एक्शन पे बेस्ड है, वो प्योर गोल्ड वीडियोज़ है, मैं ऐसे ही कुछ भी अपलोड नहीं कर रहा। इंडिकेटर वाली वीडियोज़ के बारे में इतना कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट जो लोग इंडिकेटर्स ट्रेड करते हैं उनके लिए वो वीडियोज़ हेल्पफुल होंगी, बट जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं ना उनके लिए मेरी स्ट्रेटजी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और ये भी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी थी, वहाँ पर 20 मिनट की इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मैंने फुल लॉजिक, फुल ट्रेड और पिछला सारा दिखाते कि कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वैसे दिखाई है। यहाँ पे आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ये था, वहाँ पे आप जाके देखोगे मैंने आपको बताया था इस लाइन से ऊपर हम क्यों बुलिश है, इससे ऊपर हम क्यों सुपर बुलिश है, इससे नीचे हम क्यों बेयरिश है, इससे नीचे हम क्यों सुपर बेयरिश है, यहाँ पे क्यों हमने डब्ल्यू पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे क्यों हमने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, सब कुछ उस वीडियो में बताया। अभी भी नहीं देखी जाके पिछली वीडियो देखो, और कल की स्ट्रेटजी वीडियो सिंपलेस्ट प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी, सिंपलेस्ट, कोई भी जिस पे बेसिस पे ट्रेड ले सकता है, शायद कुछ लोगों को पता भी हो बट कुछ जो स्टॉक मार्केट के कोर्सेज बेचते हैं वो उसी स्ट्रेटजी को लाखों रुपए की बेचते हैं। कल की स्ट्रेटजी ऐसे होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो भाई, और कल की वीडियो जाके जरूर देखो किसी ने नहीं देखी, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी वीडियो, सैटरडे संडे मंडे तीन लर्निंग के लिए हमारे पास दिन है, दबा के प्राइस एक्शन बेस्ड लर्निंग करेंगे इन तीन दिनों में बैठ के, और बढ़िया से लर्न करके हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स देंगे। नहीं अभी भी कॉन्फिडेंस बनता लाइव में आओ भाई, मैं आपके साथ बैठ के, खुद आप लोगों के साथ बैठ के अपने फ़ोन पे आप लोगों के साथ ट्रेड दूंगा भाई, कोई ऐसे हवा में नहीं आपको ट्रेड दे दूंगा कि आपका प्रॉफिट होता है लॉस होता है। आज तक लाइव स्ट्रीम में हमने अपनी जितनी ट्रेड्स शेयर की है ना, एक ही ट्रेड में 10-12 पॉइंट्स का लॉस हुआ, उसके अलावा हमारी कोई भी ट्रेड में लॉस नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में एग्जिट की, छोटे प्रॉफिट्स हुए हैं कोई बात नहीं, आज ये बड़ा प्रॉफिट था आज की लाइव स्ट्रीम में, जिन लोगों ने ट्रेड दिया होगा उनके लिए बड़ा प्रॉफिट था, बट कोई बात नहीं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बड़े बड़े प्रॉफिट्स करके ही समुंदर भर जाएगा हमारा, और बहुत बढ़िया से लॉस नहीं होने देंगे, बस आपको ये हमारा खास ध्यान रखता है, कॉस्ट टू कॉस्ट पर पोजिशन काट देते हैं या छोटे प्रॉफिट पर या बड़े प्रॉफिट पर, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, बाय।